नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरदोई की इस बड़ी खबर के साथ, जहां बदमाशों ने इसरो के सहायक वैज्ञानिक के घर महिला को चाकू के बल पर बंधक बनाकर घर में रखे 1,00,000 रुपए नकद और करीब 25,00,000 के जेवर लूट कर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने सहायक वैज्ञानिक की पत्नी पर हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह ज्ञात हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे एक महिला अकेली थी और वो गेट बंद कर रही थी, तभी तीन व्यक्ति अंदर घुस आए। मुंह उनके ढके हुए थे, चाकू दिखाकर उन्होंने चाबियां ले ली हैं और कीमती सामान, गहने, कुछ रुपए इत्यादि लेकर के गए हैं। पड़ताल की जा रही, पुलिस द्वारा शीघ्र अनावरण किया जाएगा। क्या प्रथम कितने की मतलब परिवार वालों से आपकी बात हुई, कितने जेवर वगैरह की? लगभग 1,00,000 रुपए की नकदी तो बताई जा रही है, अभी जेवरों के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। यहां से 100 मीटर की दूरी पे पुलिस पिकेट रखती, लगातार 24 घंटे पुलिस रहती है, लेकिन ये घटना हो जाना अपने आप में बेहद संवेदनशील है। क्या कहें, शीघ्र इसका अनावरण करेंगे। अब किस रास्ते से आए, कैसे क्या किया, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। जौनपुर में ट्रक की चपेट में आने से पैदल जा रहे चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में घायलों को सुइया थला कला CHC लेकर गए, जहां पर अस्पताल में ताला लटका मिला। वहीं गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद फार्मासिस्ट ने ताला खोला। मरीज के साथ आए लोगों का आरोप है कि 1 घंटे से अस्पताल में मरीज लेकर आए, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था। यहाँ ले के आए, यहाँ पे 1 घंटा से खड़ा हूँ मैं, न कोई डॉक्टर है, न कोई कंप्यूटर है, न कोई यहाँ वॉचमैन, न कोई चपरासी है। मरीज मर जाएगा तो डॉक्टर इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसका आखिर में? कहाँ पे आप आए लेक मरीज? मैं आया हूँ सुधा ब्लॉक पे। कोई डॉक्टर नहीं है? कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है। मरीज छटपट कर रहा है, दो एक बच्ची है, एक उसका बाप है। एक्सीडेंट हुआ, डंफर वाला मार्ग बुला दिया, अभी तक उसको अरेस्ट भी नहीं किया गया। गाड़ी आगे निकल रही है सुनापुर साइड पे। डम, क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी है। कन्नौज में जिला अस्पताल में CMS डॉक्टर शक्ति बसु ने निरीक्षण किया है। वहीं CMS का औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। CMS ने रोगियों का हालचाल पूछा। वहीं निरीक्षण के दौरान वार्ड में गंदगी देख CMS ने डॉक्टरों को सफाई कराने के निर्देश भी दिए हैं। मंगलौर में गर्मी के शुरुआती दौर से पहले ही बिजली कटौती से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ने लगी है। खासकर किसानों को गन्ने की बुआई में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे तक की विद्युत कटौती की जा रही है। बिजली विभाग की मनमानी से परेशान ग्रामीण और किसानों ने जल्द बिजली सप्लाई ठीक किए जाने की चेतावनी दी है। इसमें सर जो गर्मी हमारी अप्रैल में आती थी, वो इस बार थोड़ा पहले मार्च से ही शुरू हो गई है गर्मी, और गर्मी के बढ़ने के कारण जो स्थिति अप्रैल में बनती थी वो मार्च में क्रिएट हो गई है। और इस वजह से सिर्फ मंगलौर में ही नहीं, मतलब ग्रामीण में भी, उद्योगों में भी, सब में जो हमारा रोस्टिंग का कोड आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें रोस्टिंग करनी पड़ रही है। पीक आवर्स में ज़्यादा महसूस होता है उपभोक्ताओं को, क्योंकि सुबह और शाम को सभी लोग घर पहुंचते हैं, खाना खाने का टाइम होता है, और पीक में क्या होता है, लोड भी सबसे मैक्सिमम जाता है। आज तक इस क्षेत्र में, गांव में रात के टाइम का जो खाना है जी, वो रोशनी में नहीं खा के देखा लोगों ने। ये हालत इस प्रदेश की ऊर्जा इस सरकार ने कर दी है। गर्मी की वजह से लाइट ना आने की वजह से इतनी रोस्टिंग है, ये बेच रहे हैं, खुलेआम उद्योगपतियों को जो है लाइट बेची जा रही है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनकी कटौती हो रही है। सिंचाई का टाइम चल रहा है, राजभवन की स्थिति यह है, कोई आ नहीं रहे हैं।
नैनीताल में व्यापार मंडल के भारी विरोध के बाद जिलाधिकारी की पहल से हस्तशिल्प मेला लगा है, जिसमें देश भर से व्यापारी अपने सामान लेकर पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत लगाई गई दुकानों में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग के रिलेटेड बहुत सारे सामान लेके आई हूँ। मेरे साथ साड़ी है, सूट है, दुपट्टे हैं, कुछ जूट पैक पर किए हुए वर्क हैं, पेपर वर्क हैं, फिर मास्क भी है और मतलब जेंट्स के जो है कुर्ते हैं। मधुबनी पेंटिंग एक्चुअली ये पेंटिंग हमारे पूर्वजों की पेंटिंग है। हमारे मतलब पूर्वजों ने इन्हें ये किया और अभी के कुछ कलाकार इन्हें जीवंत कर रखे हैं और ये हमारी नेचुरल कलर से बनती है। इसकी पेपर भी जो होती है वो हमारी हैंडवर्क ही होती है, हैंड से ही उसे बनाए जाते हैं, फिर उस पर कलर किए जाते हैं, वो कलर फ्लावर्स से निकाले जाते हैं। हम लोगों ने फ्लावर्स से निकाल करके पेपर पर जितने भी कलर बनते हैं वो फ्लावर्स के बनते हैं। पौड़ी में HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में फिजिक्स अप्लाइड साइंस विषय में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए 7 अप्रैल से इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू होगी। इंटरव्यू 13 अप्रैल तक चलेंगे। कुल 7 पदों के लिए 2211 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के निर्देशों का अनुरोध, सारे जितनी भी फैकल्टी पोजीशंस हमारी वैकेंट हैं वो वैकेंट पोजीशंस हमने एडवर्टाइज़ करी थी 2021 में, और ये सब कुछ हमने समर्थ जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, उसके माध्यम से हमने एप्लीकेशंस इनवाइट करी थी। टोटल पोजीशंस जो हमने एडवर्टाइज़ करी हैं वो 226 फैकल्टी पोजीशंस हैं, सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में। इसके अगेंस्ट हमें 7805 एप्लीकेशंस रिसीव हुई थी ऑनलाइन, और अभी स्क्रीनिंग का प्रोसेस स्कूल वाइज हमने स्टार्ट किया था। हम लोग जनवरी और फरवरी के मंथ में स्कूल ऑफ साइंसेस से हमने स्टार्ट करी है स्क्रीनिंग। उसमें फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसे सबसे पहले हमने लिया है इंटरव्यू के लिए। अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर के निर्देशों के अनुरूप 7 से 13 अप्रैल 2022 को फिजिक्स और फिजिक्स अप्लाइड साइंसेस के लिए हम इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 4 पोजीशंस हैं, जो कि एक अनरिजर्व कैटेगरी में, एक SC कैटेगरी में, एक ST और एक OBC कैटेगरी में है। टोटल इसमें जो एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई थी वो 426 थी। इसके अलावा फिजिक्स में ही एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंट पोजीशन है। लखनऊ में बाबा के बुलडोजर ने गरजना शुरू कर दिया है, जहां BSP नेता फहाद और सपा के विधायक मसूद हसन के भतीजे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल अवैध निर्माण को लेकर पहले कई बार नोटिस दिया जा चुका था, जिसके बाद आज कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को गिराया गया है। तो वहीं कानून व्यवस्था बनी रहे इसके लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात की गई थी। पीलीभीत में घात लगाए बैठे एक बाघ ने किसान पर हमला कर दिया। दरअसल किसान गन्ने की खेत में छिलाई कर रहा था, उसी वक्त बाघ ने किसान पर हमला किया। वहीं खेत में काम कर रहे मजदूरों ने चीख पुकार कर घायल किसान को बचाया, जिसके बाद घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में किसान का इलाज जारी है। यह पूरा मामला थाना गजरौला इलाके के सिरसा सरदाह गांव का बताया जा रहा। ओम प्रकाश 45 वर्ष सनत जमुना प्रसाद सिरसा सरदाहा गजरौला का मरीज आया है हमारे यहाँ। तारे लोग टाइगर अटैक का मरीज है, टाइगर उस पर अटैक किया, चोटें हैं थोड़ी सीने पे और गर्दन वगैरह पे भी, लेकिन वो ठीक है, मरीज आउट ऑफ डेंजर है, कोई ऐसी बात नहीं, उसका इलाज हो रहा है। Yeah.
लखनऊ में गुंडवा पुलिस और शातिर चैन स्नैचर के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। शातिर बदमाश लोगों के गले से चैन उड़ाता था, जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। दरअसल घटना 3 बजे की बताई जा रही है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 शातिर चैन स्नैचर लुटेरों ने पुलिस टीम पर ही फायर कर दिया, तो वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया है। साथ ही उसके साथी की तलाश में पुलिस जुट गई है। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दबंग युवकों ने विकलांग टेम्पो चालक के साथ मारपीट की, तो वहीं टेम्पो चालक के साथ रोड पर दबंगों ने रोक कर जमकर मारपीट की और मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित युवक परिजनों के साथ थाना ब्रह्मपुरी पहुंचा, जहां आरोपी युवकों के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फतेहपुर में बीती रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर अंतर जनपदीय बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश रात्रि के अंधेरे में भागने में सफल हो गया। जहां पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बीती रात बिंदकी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चेकिंग की जा रही थी। गिरफ्तार बदमाश के पास चोरी और लूट की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, साथ ही एक अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त के ऊपर जनपद कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर के विभिन्न थानों 7 से 8 चोरी व लूट के मुकदमे पहले से दर्ज हैं। घायल बदमाश ने पूछताछ में जिले में कई चोरियां व लूट की बात कबूली है। घायल बदमाश को तत्काल सदर हॉस्पिटल भेजा गया है, साथ ही अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी देर पहले ये बिंदकी बाईपास पे पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश सनी नाम का बदमाश है, जो शातिर लुटेरा है या अंतर जनपदीय गिरोह का सदस्य है। इसके सदस्यों में 3 कल अरेस्ट हुए हैं, ये भी उसमें शामिल था और ये उसमें फरार हुआ था, जिसको आज पुलिस ने जो है यहाँ पे मुठभेड़ में इसको पकड़ा है। इसके पैर में गोली लगी है, इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। इस पे 7-8 मुकदमे हैं लूट के, सभी मुकदमे लूट के हैं। कानपुर में भी है, हमीरपुर में भी है, यहाँ भी है, शातिर अपराधी है। इस पूरे गैंग के विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, और जो अभी एक इसका साथी फरार हुआ है, इसके लिए कॉम्बिंग चल रही है, उम्मीद है कि उसको भी हम शीघ्र ही पकड़ लेंगे। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड केदारनाथ से पैदल मार्ग से ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया गया है। दरअसल 6 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है, साथ ही केदारनाथ में मौसम साफ होने पर पिछले कुछ महीनों से बंद चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी शुरू होने वाले हैं। तो वहीं केदारनाथ में अब कम ही बर्फ है, दरअसल कुछ स्थानों पर ही बर्फ जमी हुई है। ऐसे में अब प्रशासन को 6 मई से शुरू हो रही यात्रा तैयारियों को समय पर पूर्ण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। केदारनाथ यात्रा शुरू करने के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुरू हो जाएगी, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो भी हमारे हाईवेज हैं, जहां से वाहनों का आवागमन होगा, वहां पर निरीक्षण कर जो भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, उन सभी को चिन्हित किया गया है। उनमें क्या किया जा सकता है दुर्घटना को रोकने के लिए संबंधित विभाग द्वारा, वो सारी चीजें भी लिस्ट डाउन की गई हैं और उन पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था, कहाँ कहाँ पर वाहनों की पार्किंग कराई जाएगी, वो सारी चीजों का चिन्हीकरण का कार्य भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी जो पर्यटक पुलिस केंद्र बनाए जाएंगे और जो सीजनल चौकीज स्थापित की जाएंगी, उन सभी की प्लानिंग कर ली गई है। एटा के विकासखंड शीतलपुर के प्राथमिक विद्यालय कुनैठा में मासूम छात्र का झाड़ू लगाकर कचरा ढोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां विद्यालय की तरफ से देश के भविष्य बच्चों को किताब कॉपी की जगह उनके हाथों में झाड़ू और कूड़ेदान थमा दिए गए। दरअसल स्कूल में अध्यापकों के पहुंचने से पहले मासूम छात्र अध्यापकों के टेबल कुर्सी को साफ करते हैं, साथ ही झाड़ू लगाते हैं और स्कूल के कूड़ा कचरा के भार को उठाते हैं। जहां एक छात्र ने बताया कि अध्यापिका के कहने पर मासूम छात्रों को ये जिम्मेदारी दी गई है, इससे जाहिर होता है कि यूपी का शिक्षा विभाग मासूम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
खबर लखनऊ से है, जहां अंग्रेजी पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान सामने आया है। अंग्रेजी पेपर लीक मामले में गुलाब देवी ने बयान दिया है, जहां माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक हुआ, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी इसकी, जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे। एसीएस होम की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, क्या कहां पे, अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है, जहां आज दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। तो वहीं कानपुर देहात में 90 परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देने आए करीब 21,000 परीक्षार्थियों को वापस लौटना पड़ा। वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने पर छात्र छात्राओं में मायूसी छाई हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, साथ ही बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। मैं इंग्लिश का पेपर देने आया था। क्या हुआ? इंग्लिश का पेपर देने आया मैं कॉलेज, सुबह 8 बजे आ गया था, रिश्तेदारी में रुका था, बहुत दूर से आता हूँ, और जब इस कॉलेज के अंदर आया तो मास्टरों ने कह दिया पेपर लीक हो गया है, और 11 तक पेपर होने थे। हम लोगों ने बहुत सारी रात जग के मेहनत की, अब यहाँ आई उसी के साथ जाना पड़ रहा है। कहाँ से आए थे पेपर दे? मैं भोगनीपुर से आया था, बनार से आए थे हम। अच्छा, किस चीज़ का पेपर देने आए? इंग्लिश का देने आए थे सर। अच्छा, क्या हुआ आज? सर मैं स्कूल आया अच्छे से तैयारी करके, वो स्कूल आए तो सुना सब टीचरों ने बोला कि आज का पेपर लीक हो गया, देखो कब होगा ये बोला, और इतनी अच्छे से तैयारी करके आए थे और सारी रात जाग कर तैयारी करके आए थे सर। क्या कॉलेज आए और टीचरों ने बताया कि यहाँ कोई पेपर नहीं लीक हो गया है, जानकारी मिली तो हम लोग बहुत उदास हुए, 2 दिन से मेहनत करते रहे, तसली तो थोड़ा बहुत वो करनी पड़ेगी, क्या करें? सरकार से क्या मांग? सरकार से मांग क्या, सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि अब जल्दी जल्द पेपर एग्ज़ाम की डेट क्लियर करें, कब की है बताएं, कैसा क्या है। कहां से देने आए थे पेपर? हम तो सर यहीं अकबरपुर से लोकल से हैं। इटावा में मीट व्यापारी का लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर रिश्वत देने से मना करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल खाद्य और औषधि निरीक्षक के कार्यालय में अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई, जहां अधिवक्ता के भाई का मीट का लाइसेंस रिन्यूअल होना था। अधिवक्ता के साथ मारपीट करते खाद्य और औषधि निरीक्षक एडी पांडे का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर खाद्य और औषधि निरीक्षक ने 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। तो वहीं अधिवक्ता से मारपीट की घटना से अधिवक्ताओं में नाराजगी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी है। यह पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत कचहरी में स्थित खाद्य एवं औषधि निरीक्षक कार्यालय का है। हम तो न्यूज में आ जाओ देखो, कोई कोई दिक्कत नहीं, धमका रहे जी, धमका रहे, कोई दिक्कत नहीं है, धमका लाइव चल रहा, टेंशन ना ले, वो लाइव चल रहा। हाँ हाँ, वो कट्टा रखे थे कमर में, घुसेड़ लाई थे, वो कौन था ये गौर, कट्टा रखे था, कट्टा कौन रखे था? 112 डायल करो, पहले पुलिस बुलाओ, तुम रुको, अभी जो गिरफ्तार होएंगे पहले, अभी जो है पुलिस बुलाओ, हम तो न्यूज में, अभी रुको जी, हमें धमका रहे, रुको तसल्ली रखो, रुको ये अंदर धमका रहे जी, सोच जी, मोबाइल दबा रहे तुम, आया वीडियो बन रही थी, टेंशन ना लो, पुलिस बुलाओ, पुलिस नहीं, आप जी अभी जब प्रूफ है, लाइव चल रही, क्यों, कोई बात नहीं, वो लाइव चल रही, टेंशन ना लो।
तो वहीं कासगंज में 3 माह से वेतन न मिलने से नाराज नगर पालिका संविदा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने नगर पालिका प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। तो वहीं नगर पालिका प्रशासन और चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, जिसके चलते इस दौरान कासगंज शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त रही। साथ ही नगर पालिका प्रशासन का घेराव कर वेतन दिलाए जाने की मांग भी की गई। कुशीनगर के बीआरसी परिसर में परिषदीय शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त कार्यशाला ECCE का आयोजन किया गया, जहां कार्यशाला में मुख्य अतिथि फाजल नगर के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा कि परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संवेद कार्यशाला से शिक्षा जगत में एक नए उत्साह का सूत्रपात हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह प्रयोग प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की डबल इंजन की सरकार ने नई शिक्षा नीति के प्रावधान को आज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया है। शिक्षक हो या आंगनवाड़ी, पूरे मनोयोग से एक ऐसा शैक्षिक वातावरण तैयार करें जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।